गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हैप्पी स्टूडेंट्स एंड एंजॉइंग ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी व्याकरण क्लास. ये आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है स्टूडेंट्स. आज हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, इसमें आपका चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, हमने लास्ट 3 चैप्टर अच्छे से कम्प्लीट कर लिए हिंदी व्याकरण में. आप आज क्या पढ़ेंगे, आप चैप्टर 4 में वचन पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, सभी को क्या करना है, वीडियो को केयरफुली देखना है और अच्छे से चैप्टर को समझना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स वचन, वचन क्या होता है? वचन हम जो बातें करते हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें बोल रहे होते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, तो उसमें हम या तो एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसी को ही हम वचन बोलते हैं. जैसे जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बताते हैं या एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स एक वचन. क्या बोलते हैं उसको? एक वचन. किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? आपको लिखने से ही समझ में आ गया होगा. यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक वचन. मीन्स जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक वचन. जब हम एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं फ्रेंड्स बहुवचन. क्या बोलते हैं उसको? बहुवचन. इसके दो प्रकार हैं फ्रेंड्स, एक वचन. वचन के कितने प्रकार हुए? दो. कौन कौन से, कौन कौन से हुए फ्रेंड्स वचन के प्रकार आपके? एक वचन, ये है आपका एक फर्स्ट एक वचन. एक सेकंड है आपका बहुवचन. आपको पहले इतना बताइए, आप सबको इतना क्लियर यहाँ तक आई होप हो गया होगा कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं एक वचन. जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बताते हैं तो हम उसे एक वचन कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, गमला. अब आपको गमला शब्द सुनते ही समझ में आ गया है हम कितने गमलों की बात कर रहे हैं, या एक ही या एक से ज़्यादा हैं. आप बोलेंगे कि नहीं, ये तो सिर्फ हमने एक गमले की बात की है, सिर्फ एक गमला. गमला लिखने से ही आपको समझ में आ गया कि एक गमला है सिर्फ. ठीक है, अब बहुवचन किसको बोलते हैं? जब हम किसी जब हम एक से अधिक बारे में बताते हैं तो हम उसे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं. बहुवचन. गमले. तो स्टूडेंट्स आपने देखा एक वचन गमला और बहुवचन में क्या हो गया स्टूडेंट्स, गमले.
यहाँ हमसे पता चल रहा है कि हम एक गमला की बात कर रहे हैं और दूसरे साइड हमें बहुवचन में पता चल रहा है जब हम एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताते हैं तो हम उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे गमले, गमला, गमले। तो हम आगे और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स इसके, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम पंखा, पंखा बहुवचन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम एक ही मात्रा लगाकर, एक ही मात्रा हमने ऐड कर दी है तो ये क्या बन गया है, बहुवचन बन गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया, पंखा, पंखे, ताला। तेरा बहुवचन क्या हो जाएगा इसका, ताला का बहुवचन क्या होगा, ताले, किताब। क्या होगा इसका बहुवचन स्टूडेंट्स, किताबे, क्या होगा, किताबे। ओके, किताबे, किताब, किताबे से समझ में आ गया आपको कि एक से ज्यादा किताबें हैं, ठीक है। फोर है आपका गमला, मैंने आपको पीछे भी बताया था क्या हो जाएगा इसका, गमले। छाता, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, छाते। जूता, बहुवचन में क्या होगा, जूते। आप क्या देख रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ यहाँ मैंने क्या बना रही हूँ, एक वचन से बहुवचन बना रही हूँ, ठीक है ना। पंखे का मैंने क्या बनाया है, पंखे, क्या ऐड किया है, सिर्फ हमने एक ही मात्रा को ऐड किया है तो क्या बन गया, ये बहुवचन बन गया है। सब में मैंने देख रहे ना आप क्या ये ऐड किया है, एक ही मात्रा ऐड करने से ये क्या बन रहे हैं, एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुवचन में बदल रहे हैं, है ना। आप देख रहे हो ना, सब में मात्रा लग रही है ना, एक ही मात्रा, इसको क्या बोलते हैं, एक ही मात्रा बोलते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा, है ना, मात्राएं जब पढ़ते हैं तो पढ़ी होगी आपने, सारी मात्राएं पढ़ी हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, मैंने एक ही मात्रा लगा के सभी शब्दों को एक वचन से क्या बना दिया है, बहुवचन बना दिया है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कपड़ा, कपड़े, कपड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी क्या है स्टूडेंट्स आपके, ये सभी आपके एक वचन से बहुवचन बन रहे हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया है, जब हम एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक वचन कहते हैं, जब हम एक से अधिक चीजों के बारे में बात करते हैं या बताते हैं या बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं बहुवचन। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, वीडियो को केयरफुली देखना है और ये सारी वीडियो में जो मैंने आपको शब्द बताए हैं इनको रिवाइज करना है, ओके, ठीक है। अपनी रफ कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस भी करनी है, ओके। आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है, ओके। तो चलिए, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।